नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या होगी खास बात, सुनिए हेमंत प्रधान सर से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमंत प्रधान। मोबाइल कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और केमिस्ट्री। मोबाइल कोर्स में मेरे वीडियो की विशेषता यह है, ये पूरी तरह से सटीक है, महत्वपूर्ण संग्रह होंगे इसमें, और सबसे बड़ी खास बात, ये पूरी तरह से एग्जाम स्पेसिफिक होगा। तो देर किस बात की, आइए और हमसे जुड़िए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत प्रधान कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में आपका स्वागत करता हूँ। एनवायरमेंट सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्ज़ाम कोई भी हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ किसी न किसी रूप से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन, मेजर एनवायरमेंट कन्वेंशन और समिट। इस टॉपिक को हम तीन तरीके से पढ़ेंगे और इसे बिल्कुल फोकस होके और बहुत ही सिंसियरली आप देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि ये तीन एंगल क्या होंगे कि पहले पर्यावरण सम्मेलन से लेके आज वर्तमान 2019 तक कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, कौन से वर्ष हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या था, ये देखेंगे। ये हमारा पहला एंगल होगा। दूसरा एंगल होगा कि जब फर्स्ट पर्यावरण सम्मेलन हुआ उसके बाद से इसका जो डेवलपमेंट है, यानी कि रोड मैप है, वो किस प्रकार अलग अलग डायमेंशन में कन्वर्ट होते गया, ये हमारा सेकेंड एंगल होगा। और तीसरा एंगल होगा कि कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि अच्छे वाले क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, उन पॉइंट्स को हम अलग से ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये टॉपिक को और बहुत केयरफुली आप एक का लिंक दूसरे के लिंक के साथ जब हम जोड़ेंगे तो उसे ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण सम्मेलन। तो यदि आप पर्यावरण सम्मेलन टॉपिक को देखते हैं तो विश्व में पहली बार पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972। जी हाँ, हम देख रहे हैं प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन का पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में हुआ था। और यही 5 जून को हम क्या करते हैं, आज हम विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे हम उसे मनाते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ गए होंगे। अब जो 1972 का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसके ठीक 20 वर्ष बाद, यानी कि 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन का फिर से कॉन्फ्रेंस होता है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। और ये समय जो होता है उसे एक नए नाम से जानते हैं, वो है पर्यावरण एवं विकास पर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन, ये होता है वर्ष 1992 में। ठीक है, और इसे ही दोस्तों हम कहते हैं फर्स्ट अर्थ समिट, पहला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन ये है, इसे हम देखते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन जैसे ही आप नाम देते हैं तो आपके सामने जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हैं सबका जो आधार वाला जो पर्यावरण सम्मेलन है वो यही है, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन, अर्थ समिट। ठीक है, तो इतना दूर आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि स्टार्ट यहाँ से हुआ, ठीक 20 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। और पृथ्वी सम्मेलन 1992 से लेके अब तक 3 बार हो चुके हैं।
1992 के ठीक 10 वर्ष बाद वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, और ठीक और 10 वर्ष बाद यानी कि वर्ष 2012 में रियो डी जेनेरो में अगेन हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन 1 आप डेट याद, ईयर क्या याद रखें, 1992। पृथ्वी सम्मेलन 2 क्या याद रखें, जोहान्सबर्ग में हुआ था वर्ष 2002, और पृथ्वी सम्मेलन 3 जो है वर्ष 2012 में हुआ था। तो ये 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं अब तक। अब जैसा कि मैंने बताया कि एनवायरनमेंट समिट का या जो भी नए नए टाइप के अलग अलग हम डेवलपमेंट देखते हैं उनका जो आधार है यानी बेस है वो क्या है, एक्चुअल में पृथ्वी सम्मेलन ही है। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे सम्मेलन लिखे हुए हैं। तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं या जब हम इन फैक्ट्स को या इन समिट को या कन्वेंशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम मिक्सचर बना लेते हैं एक्चुअली, और मिक्स करके पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम में हमको कन्फ्यूज़न आता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूँ और आप विषय उसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट सबमिट जो है, इन्वायरमेंट वर्ड नाम सुनते ही उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे उसमें जलवायु यानी क्लाइमेट आ गया, ओजोन आ गया, ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर कंजर्वेशन के लिए भी कन्वेंशन हुए हैं, क्लाइमेट के लिए भी कन्वेंशन हुए हैं, और उसी प्रकार आप देखते हैं बायोडायवर्सिटी के लिए भी हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के लिए भी हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक ब्रांचेस बना लेते हैं, क्या क्या, सतत विकास का, जलवायु का, जैव विविधता का और ओजोन का। अब देखते हैं ये जो तीनों हैं यानी कि बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ये एक्चुअल में इसका ओरिजिन हुआ था अर्थ समिट से ही यानी 1992 के रियो समिट से ही। इसे रियो समिट भी कहते हैं क्योंकि रियो डी जेनेरो में हुआ था, और रियो 10 अगर पूछा जाए तो पृथ्वी सम्मेलन 2 को करना है, ठीक है, क्योंकि रियो के 10 वर्ष बाद यानी कि सेकेंड वाला पृथ्वी सम्मेलन यानी जो जोहान्सबर्ग में हुआ था अफ्रीका के, क्लियर हो गया। और रियो 20 बोल दिया जाए तो अगेन आप रियो सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरो शहर में जो हुआ था थर्ड अर्थ समिट, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, उसको आप समझेंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं बता रहा था इनके अलग अलग टाइप के ब्रांचेस। तो जैसे देखते हैं ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से क्या है, डायरेक्टली ये ओरिजिन हुए हैं अर्थ समिट नंबर 1 से, क्लियर हुआ। अब चूंकि आप देख रहे होंगे इस साइड में मैंने ओजोन भी लिख रखा है, मेरा पर्पस ये है कि अगर आप एनवायरमेंट समिट पढ़ते हैं तो जितने भी डेवलपमेंट हुए सबके सब इसके अंतर्गत आ जाएं। तो आइए हम पहले स्टार्ट करेंगे किसे, ओजोन से, फिर हम इसे डिटेल में चलेंगे क्योंकि ओजोन से संबंधित 3 ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं। तो सबसे पहला देखते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो था ओजोन परत संरक्षण के लिए सबसे पहला प्रयास था, और ये वर्ष 1985 में वियना जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वहाँ हुआ था। और आज के डेट में यदि इसे हम रिलेट करते हैं कि ओजोन परत संरक्षण के लिए सबसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो उसे उसका नाम तुरंत सबके दिमाग में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस समय क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम बैन ही नहीं किए थे, यानी कि हमको उसका जो नकारात्मक या दुष्प्रभाव है उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से नहीं हुई थी कह सकते हैं। यानी इसमें क्या नहीं था कि वियना सम्मेलन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा देखते हैं इसके तुरंत बाद आता है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा में है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वियना कन्वेंशन में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्या किया, हमने उसे प्रतिबंध लगाया। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंध जैसे ही लगाते हैं, जो बेसिकली रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होता है, लगभग कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो बनता है उसका 2/3 पार्ट इस चीज़ में यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो
जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन लगाया गया तो उसका फिर सप्लीमेंट मार्केट में आ गया, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो फ्लोरोक्लोरोकार्बन, यानी कि HFCS, हाइड्रो फ्लोरोक्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये जो था किसका सप्लीमेंट था, CFC का सप्लीमेंट था, और यहाँ पे क्या था, CFC को रिप्लेस करके क्या किया गया, यहाँ पे CFC यहाँ रिप्लेस हो गया मॉन्ट्रियल में, अब उसका मार्केट में उसका सप्लीमेंट आ गया HFCS, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन। और मार्केट में जब ये आया तो इस समय क्या था, इसमें भी कुछ एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें बैन नहीं लगाया गया था, जी हाँ, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को इसमें बैन नहीं लगाया गया था मॉन्ट्रियल में, और किगाली में जैसे ही देखते हैं, किगाली सम्मेलन में होता है कि अब हमारा जो टोटल जो है फोकस किस पे हो गया है, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन को रिप्लेस करने में हम लगे हैं, किसकी मदद से, किगाली समझौते की मदद से। किगाली बेसिकली एक सिटी है रवांडा, एक कंट्री के अंदर, तो रवांडा की किगाली में जब ये समझौता हुआ तो अब हमारा फोकस किस पे हो गया है, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन को रिप्लेस करने के लिए। ओजोन के दुश्मन कौन कौन है, ओजोन के दुश्मन जितने भी हैलोजन्स हैं मोस्टली, खासकर ब्रोमीन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्लोरीन दुश्मन है, फ्लोरीन दुश्मन है, आप समझ रहे हैं, तो हैलोजन एलिमेंट्स जो है इसके दुश्मन है। तो इस प्रकार आप डेवलपमेंट देखते हैं, तो किगाली समझौता हुआ था वर्ष 2016 में, ये क्लियर हो गया। तो आपको ये तीनों का सीक्वेंस पता होना चाहिए, जैसे मोस्टली कन्फ्यूजन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल को साथ में ले आओ, कौन सा इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर से जुड़ा है, हमका कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल हमेशा रिलेटेड विथ ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन क्षरण से संबंधित है, यानी कि ओजोन परत संरक्षण के लिए जो समझौता या प्रोटोकॉल बना हुआ था या सम्मेलन हुआ था वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जैसे देख रहे हैं कि 16 सितंबर 1987, तो 16 सितंबर को क्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। तो विश्व ओजोन दिवस क्या है, 16 सितंबर को इसी इसका जो है आधारशिला रखा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तब से उसी की याद में हम क्या करते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया वो आपको, तो जैसे जो कन्फ्यूज़न है वो सॉल्व कर देता हूँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमेशा ओजोन परत संरक्षण संबंधित होगा, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, ये तीन चीज़ याद रखिए। फिर आप देखते हैं इनका डेवलपमेंट किसका, पृथ्वी सम्मेलन का। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कुछ जान लेना बेहद आवश्यक है, आइए अब हम कुछ प्रमुख तथ्यों पर बात करते हैं। वर्ष 1992, स्थान रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील का शहर, और वहाँ पे होता है पर्यावरण विकास पर यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब उसमें 6 प्रमुख दस्तावेज रिलीज किए गए थे, वो 6 प्रमुख दस्तावेज क्या क्या हैं ये भी प्रमुख इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं रियो घोषणा पत्र, इसका दूसरा नाम यह है कि यूनाइटेड नेशन ने पर्यावरण और विकास पर आधारित घोषणा पत्र रिलीज किया, जिसे हम क्या कहते हैं, रियो घोषणा पत्र कहते हैं। दूसरा जो दस्तावेज रिलीज किया गया था वो था एजेंडा 21, यानी कि ये सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली लाया गया था 21 ऐसे प्रमुख बिंदु जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास को फोकस कर रहे थे। फिर आया था फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि वन सिद्धांत, और उसके बाद आया था FCCC का मतलब एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर क्या है एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, ये हमारा 4th दस्तावेज था। फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मतलब, फ्रेमवर्क मतलब वो बेस वाला कन्वेंशन, जैसे हमने ओजोन में क्या पढ़ा था, तो वियना क्या है, एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, क्योंकि एक फ्रेम तैयार हुआ उसके बाद उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, क्लियर हुआ। तो पहली बार जलवायु परिवर्तन पर
फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ है ना, ये एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में पृथ्वी सम्मेलन वन का था। अब दूसरा आप देखते हैं फिफ्थ नंबर का CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। पहली बार हम व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज तरीके से हम कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए हम दस्तावेज रेडी किए, ठीक है। उसके बाद आता है CCD का मतलब है कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण के विरुद्ध में हमारा कन्वेंशन। तो ये छह प्रमुख दस्तावेज हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आप जो हैं कोई भी ऐसे राइटिंग का पार्ट रखते हैं या कोई भी लाइक दीर्घ उत्तरी आंसर लिखते हैं या बड़े आंसर लिखते हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब अर्थ समिट के बारे में आप थोड़ा जानें तो इससे तीन सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी, जैसा मैंने बताया ही, फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु पर आधारित, ये पहला सिस्टर कन्वेंशन था, दूसरा था बायोडायवर्सिटी पर था और तीसरा था मरुस्थलीकरण पर था। तो ये तीन सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई रियो समिट से यानी कि पृथ्वी सम्मेलन वन से। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे देखते हैं तो प्रमुख जो शब्दावली आती हैं जैसे UNDP आ गया, UNEP आ गया, UNFCCC आ गया, COP आ गया, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं जो हमको क्या होता है, हमको बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगता है। तो कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा, मैं आपको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। उसी दौरान यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम नाम की एक बॉडी बनी, यानी कि उसका वर्ष एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी क्या हो जाएगा 1972, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केन्या पे, ठीक है। तो UNEP समझ गए ये किसके लिए काम करेगा, पर्यावरण विकास के लिए काम करेगा, क्लियर हो गया। ये पूरी तरह से अलग है, सबसे पहला आया था ये, क्लियर हो गया। इसके जस्ट नीचे देख रहे होंगे COP बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेते हैं, ये वो हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लियर हो गया। तो जैसे 197 कंट्रीज जो है बेसिकली देखा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो पर्यावरण सम्मेलन यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेते हैं, क्लियर हो गया। COP का मतलब भी, तो जैसे COP 1 मतलब जलवायु परिवर्तन का पहला सम्मेलन और COP 25 यानी वर्ष 2019 का वो सम्मेलन, क्लियर हो गया। तो ये COP वर्ड बेसिकली जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। अब कुछ और वर्ड आएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि अब हमें इसे अब तो मिटा देना चाहिए यानी कि इसे अलग कर देना चाहिए, तो अर्थ समिट पे फोकस करते हैं। तो इसमें तीन ब्रांचेस जो बने थे, तो पहला जो ब्रांच बना था बायोडायवर्सिटी पर यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, और इसमें जो वर्ड यूज करते हैं हम CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, CBD हम वर्ड यूज करते हैं। और इसमें जो डेवलपमेंट देखते हैं, पहले तो बायोडायवर्सिटी क्या है आपको जानना जरूरी है, ये भी जान लीजिए आप कि बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब वो ऐसे किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज की अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। स्पीसीज का मतलब वहाँ पे एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, माइक्रोबियल्स भी हो सकता है, ओवरऑल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, मतलब स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। तो ये जो है बायोडायवर्सिटी, जैसे कि हम बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित जीवों की संख्या को यानी उनकी संपन्नता को, अवेलेबिलिटी को दर्शाता है, जिसमें कि बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, बहुत टाइप के एनिमल स्पीसीज हो सकते हैं, वहाँ का वेजिटेशन हो सकता है, इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि आपको देखा जाए कि पृथ्वी का जो कहना चाहिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यानी कि क्या कहना चाहिए, यानी कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये पृथ्वी का टोटल बायोडायवर्सिटी का 40% अकेला ये शेयर लेते हैं, यानी विश्व की कुल बायोडायवर्सिटी का 40% एक ही जगह पे है। वो कौन है,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसीलिए हमें इसे अर्थ का लंग कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स हैं, हमेशा यहाँ पे ग्रीनरी दिखेगी, और ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स हैं मतलब ज़्यादा ये कार्बन डाई एब्जॉर्वर हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड के अवशोषक हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में एयर को प्यूरिफाई करते हैं, इस कारण इसे अर्थ का लंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ बड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो बायोडाइवर्सिटी का वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, और वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं, और ऐसे 35 हॉट स्पॉट हैं जो वर्ल्ड के 2.3% पार्ट पे क्या है, स्कैटर्ड है, वितरित हैं। और इन 2.3% पार्ट में वितरित होने के बाद अगर आप देखते हैं, इनमें से जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है यानी डेंसिटी वाली एरिया में भी, और जो डेंस एरिया है जो जहां और ज़्यादा ही डेंसिटी है उसे हॉटेस्ट के रूप में रखेंगे, तो ऐसे 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं आउट ऑफ 35 में। और उसमें इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, 4 हॉटस्पॉट हैं। 4 हॉटस्पॉट में कौन कौन से आप मुझे बता सकते हैं? वेस्टर्न घाट, हिमालया, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड, ये 4 हैं। इन 4 में अगर आप हिमालय को निकाल के रख देते हैं, अलग करते हैं, तो बाकी बचे जो 3 हॉट स्पॉट हैं ये वर्ल्ड के 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी कि विश्व में 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं, उसमें भारत के 3 शामिल हैं। क्लियर हो गया? तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो इस कारण से बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की जो जर्नी स्टार्ट होती है यहीं से होती है। और हम देखते हैं कार्टाजीना जो है कन्वेंशन होता है, जो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं ना, तो उनका सही प्रयोग हो, यानी कि कहना चाहिए जैव सुरक्षा हो, उसके लिए था बेसिकली नागोया प्रोटोकॉल, आनुवंशिक स्रोतों के गलत प्रयोग को रोकना यानी मिस यूजेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, ये था। और थर्ड देखते हैं आईची लक्ष्य, यानी कि 20 ऐसे बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 20 टारगेट लिए गए थे और 5 गोल सेट किए गए थे, और भारत को ऐसे 12 क्या है टारगेट मिले थे। अब भारत वो 12 में से कम देखो, आईची लक्ष्य तो सबको हासिल करना है, 5 गोल तो सबको हासिल करना है, लेकिन भारत को जो है ना, यानी उनकी नेशनल बायोडाइवर्सिटी का जो टारगेट मिला था वो 12 था। और जैसा कि मुझे बता के खुशी हो रही है कि हम फॉरेस्ट सर्वे 2017 की रिपोर्ट को देखते हैं तो भारत में वन क्षेत्र की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो एक अच्छा साइन है। तो ये उसी के अंतर्गत किए गए प्रयासों का एक परिणाम था। तो 12 लक्ष्यों में 8 लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं, 2 जस्ट हासिल करने ही वाले हैं और बचे हुए 2 थोड़े दीर्घ अवधि वाले हैं। तो दीर्घ अवधि वाले, लघु अवधि वाले, मध्यम अवधि वाले, इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं आईची लक्ष्य पे, जो क्या है, क्रमशः बायोडाइवर्सिटी का ही एक कंजर्वेशन के लिए किया गया प्रयास है। तो हम देख रहे हैं इसमें मैं कुछ जगह सभी कन्वेंशन के ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ष भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहां देख रहे हैं कुछ के ही वर्ष इंक्लूड हैं, बाकी के नहीं हैं। तो बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, हम जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे, हम सभी, जैसे मैंने पहला ही एंगल बताया, पहला पर्यावरण संरक्षण से लेकर आज तक हुए सभी सम्मेलन को हम क्रमशः ईयर वाइज और उद्देश्य के साथ देखेंगे, ठीक है? पहले आप ये अप्रोच समझिए। तो अब मेरे ख्याल से आप ओजोन समझने के बाद बायोडाइवर्सिटी का भी एंगल आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो बॉडी इसमें बना, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन, तो ये क्या था, इसमें देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब जलवायु परिवर्तन आया तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन कौन से ऐसे ग्रीन हाउस गैस हैं जो आपका टेम्परेचर जो बढ़ाते हो, ग्रीन हाउस गैस हैं लाइक ओजोन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन, इसके बाद
लीमा आया, वारसा समिट आया, ऐसे करते करते पूरा अंतिम में देखते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट आता है। तो इनका भी पूरा एक जर्नी है, बहुत सारे इसमें भी क्या है, हर साल हुए हुए UNFCCC यानी कि UNFCCC का क्रमशः होने वाला सम्मेलन को हम देखेंगे क्योटो से लेके वर्तमान स्थिति तक, जो बेसिकली अभी रिसेंट में हुआ था सैंटियागो चिली में। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। तो ये इसका एंगल हो गया, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक और जो इसके उसका उद्गम हुआ था वो था SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG का मतलब यानी सतत विकास। आप डेवलपमेंट ऐसा करें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, समावेशी विकास हो, वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वो सतत विकास के अंतर्गत आएगा। तो एजेंडा 21 है और Rio+10 और Rio+20 लिखने का मेरा पर्पस क्या है कि पहले SDG को हम क्या करते थे, MDG मानते थे, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल Rio+10 यानी वर्ष 2002 में सेट किया गया था और उसे Rio+20 आने के बाद क्या कर दिया गया, SDG में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अब किस में कन्वर्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास में। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इनके जो टर्मिनोलॉजी हैं और इनसे संबंधित ये जो सम्मेलन है, कन्वेंशन है, इसका आप क्या करें, एक बेसिक पार्ट देख लिए। अब हम जो स्टार्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे वो क्या रहेगा, स्टार्टिंग से लेके अब तक जो जो भी कन्वेंशन हुए हैं इन्वायरमेंट से संबंधित या इन्वायरमेंट से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित, इन सभी प्रमुख सम्मेलन को हम क्रमशः देखेंगे। हो सकता है इसमें क्या आए, कुछ पर्यावरण से संबंधित डायरेक्ट वाले पार्ट ना आए, लेकिन हमें उसे इन्वायरमेंट का ही पार्ट मान के आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया? अब आइए अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रथम पर्यावरण सम्मेलन से लेकर अब तक यानी वर्ष 2019 तक कौन कौन से ऐसे प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौता हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1972 में पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तो उसके बाद से हम देख सकते हैं आगे, लेकिन उसके पूर्व में अगर देखेंगे तो एक प्रमुख एक प्रोटोकॉल जो आया हुआ था उसका हम उल्लेख यहाँ करते हैं। जेनेवा प्रोटोकॉल वर्ष 1925 में हुआ था और इसका जो उद्देश्य था बेसिकली जहरीली तथा अन्य गैसों का युद्ध में प्रयोग निषेध करना तथा रासायनिक एवं जैव रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध हेतु संधि करना, ये था जेनेवा प्रोटोकॉल, ठीक है, ये वर्ष 1925 में हुआ था। उसके बाद 1972 का हमारा आ जाता है मानव पर्यावरण सम्मेलन, 5 जून 1972 को जो हुआ था, इसका हम उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। इस प्रकार हम तीसरे में सीधा चले जाते हैं जो है CITES। CITES का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं, जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रतिबंध लगाना। तो वो फ्लोरा और फौना दोनों है, यानी कि वनस्पति और जंतु दोनों को इसमें शामिल किया गया था। वर्ष 1973 में ये सम्मेलन हुआ था और IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑन नेचर IUCN के मदद से ये बेसिकली ये हुआ था और इसे वाशिंगटन सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं यानी लुप्त प्राय यानी संकटग्रस्त प्रजाति हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोकना, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कि 1971 में एक हुआ था रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन बेसिकली जो वेटलैंड्स होते हैं या नम भूमि क्षेत्र होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए था, क्योंकि वो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, और कहना चाहिए वो ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो नम भूमि का जो रामसर सम्मेलन में उल्लेख किया गया है उसमें मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रिफ, एस्चुरी, क्रिक, खाड़ी, समुद्री घास, भूमि, झीलें सभी आ जाती हैं। मैं रिपीट करता हूँ, नम भूमि क्षेत्र का प्रोटेक्शन के लिए रामसर सम्मेलन। रामसर एक शहर है ईरान में, जो 1971 के समय में ये हुआ था सम्मेलन। और भारत के तीन जो हैं इसमें वेटलैंड्स को भी शामिल किया गया है इसमें रामसर लिस्ट में, ठीक है। उसमें से एक चिल्का झील को रामसर पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इस प्रकार ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आपको कुछ सम्मेलन के कई बार क्या है, सम्मेलन के वर्ष पूछे जाते हैं, कुछ में क्या होते हैं कब लागू हुआ ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिए। अब उसके बाद देखते हैं मानव पर्यावरण पर यूएन कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम, ये जो 1972 का इसका जो डिटेल दिया हुआ है वापस से देख लेते हैं। मानव पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु साझा दृष्टिकोण एवं सिद्धांत अपनाना, जैव विविधता संरक्षण का शुरुआती प्रयास, ठीक है। ये क्या है, 1972 से स्टार्ट हुआ था, ओके। उसके बाद चलते हैं बार्सिलोना कन्वेंशन 1976, समुद्री पर्यावरण एवं भूमध्य सागर को प्रदूषण से संरक्षण प्रदान करना, ये बार्सिलोना कन्वेंशन का उद्देश्य था 1976 में। यूनाइटेड नेशन समुद्री कानून संधि 1982 में हुआ था, समुद्री कानून बनाए गए थे। बोन सम्मेलन हुआ था 1983 में, और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं प्रबंधन एवं उनके प्राकृतिक निवास का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नैरोबी सम्मेलन, जो वर्ष 1982 में हुआ था एक्चुअली। तो 1982 में जो हुआ था ये बेसिकली क्या था, 1972 का जो स्टॉकहोम समिट था उसके 10 वर्ष बाद ये हुआ था। तो कहना चाहिए एक सभी सदस्य देशों को बुलाकर जो भी उद्घोषणा की गई थी उसका उसमें सहमति जताई गई थी इस नैरोबी सम्मेलन में। तो विशेष कुछ इसमें नहीं था, बस 10 वर्ष बाद एक वापस से इनका क्या था, गेट टुगेदर था। उसके बाद देखते हैं कि ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन आया था वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन आया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पहली बार ओजोन परत संरक्षण के लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, और उसकी खास बात क्या थी, पहला ऐसा प्रयास था जो ओजोन परत के लिए था, दूसरा उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की को बैन नहीं किया गया था, ठीक है। उसके तुरंत बाद आता है, उसके बाद देखते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट संकल्पना सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो क्या था, 16 सितंबर 1987 को ये सम्मेलन हुआ था। ओजोन परत संरक्षण हेतु या ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु प्रोटोकॉल, बेसिकली ये है ओजोन परत संरक्षण के लिए लाया गया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अच्छा जो इम्पॉर्टेंट है अब तक में अगर देखा जाए तो 1972 रामसर सम्मेलन, ठीक है, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विश्व धरोहर सम्मेलन 1988 में समुद्री पर्यावरण क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया था, और उसे क्या किया गया था, बेसिकली उनका संरक्षण के लिए प्रयास चालू किए गए थे। बेसल कन्वेंशन, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, 1989 में आया था। खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, स्थानांतरण, नियंत्रण, निपटारा और नियम आदि बनाए गए थे, यानी कि जो हैजार्डस
वेस्ट होते हैं, खतरनाक अपशिष्ट होते हैं, उनका प्रबंधन के लिए बेसल कन्वेंशन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन का भी हमने डिटेल देखा, 1992 में आया था, 6 प्रमुख दस्तावेज जारी किए गए थे, 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी और विश्व के पर्यावरण संरक्षण मुद्दों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, संपोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का संरक्षण आदि प्रमुख था, ठीक है। और एजेंडा 21 भी इसी समय लागू किया गया था 1992 में, 21 सूत्री यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है जो स्थानीय है, राष्ट्रीय है और वैश्विक स्तर पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु एक वैश्विक कार्य योजना थी। तो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा 21 आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं इस समय एक और जो दस्तावेज रिलीज किया गया था या कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी वो था जैव विविधता का सम्मेलन। तो 1992 जैव विविधता संरक्षण के लिए पहली बार हमने अपना प्रयास करना चालू किया वास्तव में ऑर्गेनाइज तरीके से और एक यूनाइटेड नेशन की मदद से। मरुस्थलीकरण पर सम्मेलन, ये एक्चुअल में देखो इसमें दिया गया है 1992 में दस्तावेज रिलीज किए गए थे यानी कि कहना चाहिए बेसिकली 1992 में 3 जो सिस्टर कन्वेंशन था, 3 सिस्टर कन्वेंशन में एक था मरुस्थलीकरण पर सम्मेलन, तो उसे वर्ष 1994 में सूखा मरुस्थलों को कम करने के लिए पहली बार प्रयास किया गया, ठीक है। 1992 क्या है वो जारी किए गए थे लेकिन सम्मेलन कब हुआ, 1994, क्लियर हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भी तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली वर्ष 1997 में ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। वर्ष है 1997, ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की मात्रा का कम करना यानी निर्धारण करना ये उसका उद्देश्य था। भारत वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल के नॉर्म्स में साइन किया है, समझ रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर कब किया, वर्ष 2002 में, ये क्लियर हो गया। अब रोटरडम सम्मेलन जो है ये देखते हैं अगर, तो इसमें क्या है, वर्ष 1998 में ये सम्मेलन हुआ था। खतरनाक एवं कीटाणुनाशक दवाइयों के आयात निर्यात के लिए नियम बने और इंडिया में इसे लागू किया गया वर्ष 2005 में, ठीक है, ये समझ गए। और आपको और क्या बता दें, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें जो मॉडिफाइड जो जीव होते हैं यानी कहना चाहिए जैव सुरक्षा से संबंधित कोई भी ऐसा नकारात्मक प्रयोग ना कर पाएँ यानी कि कुछ इसका दुरुपयोग ना कर पाएँ, तो जैव सुरक्षा के लिए ये नियम बेसिकली बनाया गया था। और इसमें क्या था, जो ट्रेड होता है सीमा पार व्यापार से संबंधित नियम और कानून को भी कड़े किए गए थे, ठीक है, जैसे हमने सीटेस में किया था स्टार्टिंग में 1973 में कि सभी इंडेंजर्ड स्पीशीज के जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड को हमने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था, वैसे ही सिमिलर टाइप का है कि हम जैव सुरक्षा यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बहुत सारे ऐसे चेंजेस करके या फिर कुछ ऐसा व्यापार सीमा पार व्यापार से संबंधित हमने नियम और कानून को कड़े कर दिए। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष एक, ये दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन है, आप देखिए वर्ष 2001 में हुआ था और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को रसायनों से बचाना और 12 ऐसे POP यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POP पर नियम बनाए गए थे, मतलब POP को मैं फिर से रिपीट करूंगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये बेसिकली क्या है, POP उस प्रदूषक को कहेंगे
जो एक बार पर्यावरण में आने के बाद, पहला तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दूसरा एक बार ये पर्यावरण पे आने के बाद बायोडिग्रेड नहीं होता कई सालों तक, इसे हम पीओपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे डीडीटी, डीडीटी एक पीओपी का एग्जांपल है। तो इन पे इन पर पीओपी 12 पीओपी पर नियम बनाए गए थे। उसके बाद आता है पृथ्वी सम्मेलन 2, जिसे रियो प्लस 10 सम्मेलन भी कहा जाता है या रियो 10 सम्मेलन भी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये मैंने बताया था आपको, और सतत विकास पर सम्मेलन हुआ था। एजेंडा 21 का क्रियान्वयन तेज किया गया और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन से पृथ्वी सम्मेलन पे लक्ष्य निर्धारित किया गया था अगर आपको पूछा जाए तो पृथ्वी सम्मेलन 2 है। उसके बाद आते हैं नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल वर्ष 2010 में हुआ था और इसका जो था उद्देश्य बेसिकली अनुवांशिक स्रोतों के गलत प्रयोगों को रोकना, ये इसका प्रमुख जो है उद्देश्य था। यानी अनुवांशिक स्रोतों यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेस से जेनेटिक सोर्सेस के गलत प्रयोगों को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं आईची लक्ष्य। आईची लक्ष्य जो है बेसिकली ये कहाँ से इसका उद्गम हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1 से, और वर्ष 2010 में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए और जैव विविधता के 20 महत्वपूर्ण लक्ष्य का निर्धारण किया गया, जिसमें क्या थे, जिसमें 5 गोल थे और 20 टारगेट थे। वो ही आपके आईची लक्ष्य कहलाते हैं और 5 गोल हैं वो दीर्घ अवधि के लिए हैं। भारत को ऐसे क्या है 12 टारगेट मिले थे, 12 में भारत ने 8 को हासिल कर लिया है, 2 को हासिल जस्ट करने ही वाले हैं और 2 जो हैं आपके दीर्घ अवधि वाले हैं, तो वो भी आपको उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो होता है मिनीमाटा सम्मेलन। मिनीमाटा सम्मेलन जो है, ये मिनीमाटा एक डिसीज है जो मरकरी यानी पारा के कारण होता है। तो ये मरकरी जो होता है काफ़ी हार्मफुल होता है, तो मिनीमाटा सम्मेलन में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2020 तक हम पारा के उपयोग को बहुत ही कम कर देंगे या कहना चाहिए नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि आप थर्मामीटर में क्या यूज़ करते हैं, पारा यूज़ करते हैं, तो इवन वो भी शामिल था कि हम कुछ मेडिसिन वगैरह को छोड़कर बाकी जैसे जो इंस्ट्रूमेंट में या दूसरे यंत्रों में प्रयोग होने वाले पारा का प्रयोग को निषेध करेंगे वर्ष 2020 तक। ये मिनीमाटा सम्मेलन का उद्देश्य था। फिर आता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट अगर देखेंगे तो कुल मिला के ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन का जो है एक लेटेस्ट आस्पेक्ट है कहना चाहिए। 2015 में जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित नए समझौते तय किए गए थे और वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे लाना हमारा उद्देश्य था। यानी कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमको अलग अलग प्रकार के देशों को अलग अलग लक्ष्य दिए गए थे, जैसे कि डेवलप कंट्री को अलग, डेवलपिंग कंट्री को अलग, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को अलग। इसमें यूएस ने क्या किया, डिनाई कर दिया और पेरिस एग्रीमेंट से अपना जो है समझौता से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, तो यूएस ने यूनेस्को से भी नाम वापस लिया है और पेरिस एग्रीमेंट से भी नाम वापस लिया है, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है किगाली समझौता। जैसे कि हमने देखा 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया, वो किगाली जो रवांडा कंट्री में है वहाँ पे वर्ष 2016 में हुआ था। क्लियर हो गया। और फिर आता है मराकेश। पेरिस समझौते की जो क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता थी है ना, और जलवायु एवं सतत विकास की जो प्रतिबद्धता थी उसे यहाँ पे दर्शाया गया।
और अगले ही वर्ष यानी कि वर्ष 2017 में पेरिस एग्रीमेंट की कार्य योजना को पूर्ण करने पर यह आधारित एक सम्मेलन फिर से हुआ। यानी कि पेरिस समझौता में जो भी कार्य करना है वो योजना को पूर्ण करने पर आधारित यह सम्मेलन था। फिर आता है अगले ही वर्ष कैटोवाइस सम्मेलन वर्ष 2018, पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए निर्देश नियमों को अंतिम रूप देना। ठीक है, तो ये वर्ष 2018 में था। और वर्ष 2019 में सैंटियागो चिली में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का अगला सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आप देखते हैं प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक हमने लगभग सभी प्रमुख जो पर्यावरण सम्मेलन है उसको कवर कर लिया। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर हमसे शेयर करिए। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, पृथ्वी सम्मेलन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो दस्तावेज और जो चालू हुआ था डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस यानी कि बायोडाइवर्सिटी का, जलवायु का, सतत विकास का, उनका आप विकास क्रम जरूर देखें। और मैं रिपीट करता हूँ पृथ्वी सम्मेलन के जो कहना चाहिए लक्ष्य जो हुआ था, रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21, वन सिद्धांत, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध क्या है हमारा दस्तावेज। ठीक है, ये पृथ्वी सम्मेलन वन था जो रियो डी जनवरियो में वर्ष 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन टू यानी कि रियो प्लस 10 सम्मेलन या रियो 10 सम्मेलन वर्ष 2002 जोहान्सबर्ग। और इसमें जो लक्ष्य इनको निर्धारित किए गए थे, सतत विकास पर सम्मेलन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सम्मेलन, एजेंडा 21 का क्रियान्वयन और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है सेट किए गए थे, लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। क्लियर हो गया। और पृथ्वी सम्मेलन तीन भी आप देख लें कि वर्ष 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसे रियो प्लस 20 सम्मेलन भी कहते हैं। और द फ्यूचर वी वांट सात क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए गए थे, मतलब ये थीम था कि सात क्षेत्र जो चिन्हित किए गए थे, रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर यानी सतत शहर कह सकते भी हैं उसे, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन, ये सात प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए थे और थीम था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, और अंतिम और लास्ट जो है वो ये है कि वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की सभा में ये सहमति बनी थी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको यदि जलवायु परिवर्तन का पूछा जाए तो अगर देखा जाए तो हाल ही में जितने भी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुए हैं उनका क्रम मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मुख्यतः आप देखते हैं कि कोप वन जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सबसे पहले 1995 में हुआ था, जो ठीक किसके बाद है, पृथ्वी सम्मेलन वन के बाद है। तो पृथ्वी सम्मेलन वन के बाद जैसे हुआ था, उसके बाद अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अलग अलग वर्षों में हुए। तो प्रमुख कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में से देखते हैं कोप थ्री, यानी कोप थ्री के दौरान क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, कोप 21 के दौरान पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, कोप 22 के दौरान मराकिस सम्मेलन हुआ था, कोप 23 के दौरान बोन जर्मनी सम्मेलन हुआ था, कोप 24 के दौरान कैटोवाइस सम्मेलन हुआ था और कोप 25 के दौरान सैंटियागो चिली का सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार ये कुछ क्रम मैंने आपको बताया। और जैसे कि आपको देखा जाए कुछ और हैं जैसे कोपन है गन वगैरह जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे क्योंकि यूएस ने भी डिनाई कर दिया था शर्तों को मानने के लिए। और फिर कानकुन सम्मेलन आता है, तो कानकुन सम्मेलन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो ये है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो स्थापना की गई थी
तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो स्थापना की गई थी वो बेसिकली कोप 16 के दौरान की गई थी, और कोप 16 संबंधित है कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010, और वो कहाँ हुआ था, मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये भी ज़रूर याद रख लें। ठीक है, कोप 16 के दौरान मैक्सिको में कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC का सम्मेलन हुआ था, और इस समय ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। आई होप ये क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ कुछ आता है, जैसे दोहा संशोधन, वारसा सम्मेलन, लीमा एक्शन प्लान। ठीक है, ये सब बेसिकली क्या है, बेसिकली ये बाली सम्मेलन वगैरह सब के सब क्या है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किए गए प्रयास हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पर्यावरण सम्मेलन का जो टॉपिक है वो कवर होता है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर एक बार हमसे शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेव कीजिए, 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉन्च होने वाला FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें।